हाय, मैं आई हूँ रिवाज म्यूजियम मम्मी के साथ। ये रोइंग जगह है, रोइंग से थोड़ा 17-18 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। रोइंग से आने से ये रास्ता, यहाँ से राइट साइड ये एंट्री पॉइंट, ये नीचे लाइब्रेरी, ये बाहर का व्यू है, ये मेरे मम्मी। और यहाँ पे अंदर जाने का ये दो तो वीडियो बनाया है, एक मम्मी के साथ और ये, और ये एंट्री पॉइंट। ये काउंटर पे दो प्यारा सा एक भाई और एक बहन रहता है, ये लोग टिकट देता है अंदर एंट्री का, पर टिकट 20 रुपीस ऐसा कुछ होगा। और ये एंट्री पॉइंट का व्यू है, यहाँ पर ये रेड बुक्स है, उसको दलाई लामा जी ने उसको यहाँ म्यूजियम में डोनेट किया है, बोला है 1500 बुक्स। और ये अंदर जाने की ओर, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकता है, यहाँ पे हर डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से एंट्री, और यहाँ पे स्टोन, पुराना रेड स्टोन सैंड स्टोन लुक है। ये सब लिखा हुआ है, आप देख पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकता है। और ये बिस्मक नगर बोल के रोइंग में एक जगह है, वहाँ से निकला है ये सब पत्थर, ये सब चीज। और ये हाउस होल्ड में जो यूज़ होता है, घर में जो यूज़ होता है, वो सब हर एक ट्राइब का होगा, सिर्फ ईदू बोल के नहीं, जितना भी अरुणाचल का ट्राइब है उसका। ये दो ईदू मिशन का है, इससे आप छानते हैं। ये है माथा में जो पहनता है, यहाँ में दो तो ईदू का है, ये ईदू का है, ये भी ईदू मिश्मी ट्राइब का। और ये दिख रहा है ये याक का है, बोला याक, एक याक होता है ना ऊपर तरफ वाला। और ये सब माला, मैं अलग ट्राइब का लोग को नाम नहीं जानती। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कौन सा ट्राइब का है, ये तो हम लोग का है आंखों का। ये ऑर्नामेंट्स, उसके बारे में लिखा है। और ये है ऑर्नामेंट्स, ये बीच में सबसे छोटा है वो आमियावलो, बहुत कीमती चीज़ है ईदू मिश्मी के लिए। और उसका नीचे में है लेकेपो, वाइट और रेड मिक्स करके बना है, वो भी ईदू मिश्मी ट्राइब का है।
ये इली प्रा आली ये तो मिशमी ट्राइब का है और बाकी तो अलग ट्राइब का है। आपा भी हम लोग का होता है, ये मिशमी ट्राइब का होता है। ये इली प्रा आली वो साइड वाला आली है, जब तीर मारता है तो उससे रुकाता है बोलता है। मिशमी और ईदू मिशमी का फोटोग्राफ्स, और ये है मेखला बनाने के लिए, दिखाने के लिए रखा है किस तरह से मेखला बनता है, बेल्ट है ये सब मारने वाला। और ये विलेज ईदू मिशमी ट्राइब का, ये लोग सुत्ता पहले खुद बना के करता था, रुई से सुत्ता बनाता था पहले का लोग, ऐसा करके सुत्ता बना के बनाता था वो जमाना को। एक विलेज 3D में ड्रॉ करके रखा हुआ है, एक चंगर इधर मिशमी का चंगर, और ये 3D में पेंटिंग बना के रखा हुआ है एक विलेज का। और ये हम लोग का एंसेस्टर था बोला पूर्वजो जिसे हम लोग बोलते हैं। और ये है यू आगू बोलते हैं इसको, पहले ज़माना में रे में ईदू मिशमी लोग इसको इसमें अपू छान के रखता था। और ये आदि ट्राइब का जब वार जीत के आते हैं तब में विक्ट्री डांस है। और ये ईदू मिशमी ट्राइब का इसको एक आए एक अपू आउपू बोलता है इसको। और ये है बमुनी का, उसका जो बमुनी करते समय चीजें रखता है अंदर में, और ये इसे पानी निकलता है एक आउपू से, एक क्राए में अपुंग सब रखता था। और इसमें जितने भी प्रिस्ट बमुनी लोग का सामान जैसे माथा में पहनने वाला और ड्राम बजाने वाला पुंग करके आवाज करता है सब चीज, ये सब ईदू मिशमी का है। आम्बो बोलते हैं इसको, ग्रैम्बो भी बोलता है, आम्बो बोलता है। ये माथा में पहनता है और ये हाथ का पंखा इसे पूं करके आता है, और इसे ई को बोलता है। ये तो ईदू का नहीं है, दूसरा ट्राइब का होगा। ये नीपू रिपू बोलते नीपू, और ये भी समान है दूसरा ट्राइब लोग का पूजा समय का होगा ये सब। ये तो मास्क, ये मेखला ईदू मिशमी का, ये ईदू मिशमी का सबसे पुराना थोमा।
ये है मिस तिन्ने मेना, अभी मिसेस हो गया, फर्स्ट वुमेन एवरेस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसका सामान है। पहले जितना भी वो एवरेस्ट में चलते थे मैं यूज़ किया ला, बूट, हैंड ग्लव, कैमरा, ये सब। और ये है इरुमिश्मी हाउस, ये हम लोग का बामुनी का कोट और स्कर्ट, और ये कारपेट टोकरी, ये जो पुराना बैग पिट्ठो पीछे बुकता था, और इसे दान मिलिंग होता है, इसको एलोम बोलता था। इसे हम लोग पहले दान मक्का सब मिलिंग करते हैं, यहाँ टॉक टॉक मारते हैं इसमें। और ये कुछ पत्थर है, कोई जोग्राफर जो इसमें से रिसर्च करके रखा है बोला। और ये इसको बोलते हैं इली बिल, ये भी मिश्री ट्राइब का पिट्ठू। तो ये हम लोग का इदुमिश्मी फ्रिस्ट बामुनी। और ये खमती ट्राइब का स्क्रिप्ट है। और ये इदुमिश्मी पुजारी जो प्रिस्ट होता है उसका लुक्स। हाथ में पकड़ा ला रिंपू बोलते हैं, ये जो लगाया है ये टाइगर और भालू का बियर का असली दांत है। ये माथा में पहना वाला इसको बोलता है आवे तो, इसको खोंदा बोलता है, ट्रिंचिंग आवाज करता है जब डांस करता है। ये टाइगर का माथा है बोला, ये एलिफेंट का टीथ। और ये जो कवर से खोद के निकला बोला है लैंडस्लाइड के समय में। और ये इसको बोलता है दापू, पहले जैसे कानी ओनी पीता था ना पहले। और ये वर्ल्ड वार टू का गन है बोला है। ये पहले खुद से सुत्ता बना के बनाता था गाची से दारू निकाल के। तो ये देखिए हम लोग ने भी पहना हुआ है बच्चों। और ये भी कब्र से निकला है बोला है, ये खमती ट्राइब का। हाँ वो भी ये सब चूड़ी है और माला है। मेरी चूड़ी है, माला है और माथा में लगाने वाला। ये है टिबेटियन का स्क्रिप्ट, चेता नाला रोइंग से मिला है ना। ये पत्थर में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। और ये है भाई और बहन, थैंक यू हम लोग को अलाउ करने के लिए, और थैंक यू सो मच आप लोग के देखने के लिए। बाय बाय।